सबसे पहले तो आप सभी को दिवाली की ढेर 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 सारी शुभकामनाएं। दिवाली का त्यौहार जो है ना, वो हम सबके लिए बहुत ही ज़्यादा स्पेशल होता है, क्योंकि ये त्यौहार का हम बेसब्री से इंतज़ार करते हैं। हम सभी के लिए दिवाली का फेस्टिवल जो है ना, वो काफ़ी ज़्यादा एक्साइटिंग भी होता है और सबसे बड़ा त्यौहार भी होता है। तो आज का वीडियो होने वाला है दिवाली स्पेशल, और इस ब्लॉग में मैं आपको सारा कुछ एकदम से डिटेल में मैं आपको बताने वाली हूँ कि हमारे यहाँ दिवाली जो है ना, वो किस तरीके से सेलिब्रेट की जाती है, क्या क्या हम तैयारियां करके रखते हैं। जैसे कि आप लोगों ने पिछले वीडियो में देखा कि हमने दिवाली की शॉपिंग का वीडियो जो है ना, वो शेयर किया था कि हमने शॉपिंग क्या क्या करी और कहां कहां से, कौन कौन से मार्केट से की वो सॉरी मैं वॉइस ओवर तो मैंने नहीं दिया, बट मैं आपको बता दूँ कि दिल्ली के न्यू अशोक नगर के मार्केट से ही हमने दिवाली की सारी शॉपिंग की है। जितना कुछ भी यहाँ पर डेकोर का आपको आइटम दिख रहा है, वो सारी शॉपिंग हमारी दिल्ली की ही है और न्यू अशोक नगर की एक ही कलेक्शन के साइड से ही हुई है। सो पिछले वीडियो में अगर जिसने भी नहीं देखा है तो पिछले वाले ब्लॉग में जाके आप देख सकते हो। सो सुबह से जो है ना, दिवाली के दिन सुबह से ढेर सारे काम स्टार्ट हो जाते हैं। साफ़ सफाइयाँ ऑलमोस्ट हम एक दिन पहले से ही करके रख लेते हैं, मतलब एक दिन पहले तक ख़त्म हो जानी चाहिए सभी की सफाई, वरना क्योंकि दिवाली वाले दिन तो वैसे भी ढेर सारे काम होते हैं और उस दिन सफाई करने के लिए बिल्कुल भी टाइम नहीं बचता है। सो यहाँ पर सॉरी आज मेरा कफ एंड कोल्ड स्टार्ट हो गया है। सो दिवाली के एक दो दिन के बाद ही मैं ये वीडियो एडिट कर पा रही हूँ, क्योंकि एकदम से बिजी शेड्यूल था। सो बाद में ही वीडियो को एडिट कर रही हूँ, वॉइस ओवर दे रही हूँ। सो सुबह से खाना वगैरह जो है ना, वो हमारे यहाँ सुबह में ही बन जाता है। सो ऑलमोस्ट 11 बजे 12 बजे तक खाना हमारा कंप्लीट हो चुका था। उसके बाद जो है ना, बारी आती है डेकोरेशन की और साथ में ही बारी आती है हमारी चौकी को सजाने की। सो चौकी वगैरह सजाने में काफ़ी ज़्यादा टाइम लगता है और पूजा पाठ करने के लिए भी काफ़ी ज़्यादा टाइम लगता है। यहाँ पर आप देख सकते हो मेरा 9 मंथ का प्रेगनेंसी चल रहा है, तो ज़्यादा काम वगैरह कर पाना और साथ में काफ़ी देर तक बैठ पाना मेरे लिए काफ़ी ज़्यादा मुश्किल हो पाता है। पिछले जितने भी वीडियोस वगैरह रहे, मुझे बहुत अच्छा लगता है कि जब भी पूजा पाठ का काम हो मैं साड़ी पहनूं और अच्छे से तैयार हूं, बट इस टाइम जो है ना बिल्कुल भी नहीं हो पा रहा है। मतलब ऑलमोस्ट कुछ ही दिन के बाद मेरा डिलीवरी है, तो मैंने सिंपल सा एक सूट ही डाला हुआ है, वो भी इतना लूज एंड कम्फर्ट लिया था कि मैं ईज़िली उसको वेयर कर पाऊँ और आराम से बैठ के पूजा कर पाऊँ। सो यहाँ पर जो है ना, वैभव को आप देख सकते हो, शाम के बज गए हैं 7:30 और मैंने 4 बजे से जो है ना चौकी सजाना स्टार्ट कर दिया था, क्योंकि चौकी धीरे 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 सस्ते सस्ते काफ़ी ज़्यादा टाइम लग जाता है। सो 7:30 बज गया है और हम यहाँ पर देख सकते हैं फुलझड़ी ही यहाँ पर मिली थी मार्केट में वैभव के लिए। मार्केट में सारे कुछ पटाखे वगैरह बैन हो रखे हैं, सो पटाखे वगैरह तो नहीं मिले, सिर्फ फुलझड़ी ही मिली थी, तो फुलझड़ी ही लेके आए हैं, तो वैभव उसी से ही खेल ले रहे हैं। बट अगर ससुराल में होती तो ढेर सारी आतिशबाजी वहाँ पर मिलती और हम खूब सारा इन्जॉय करते, बट प्रेगनेंसी की वजह से हम घर भी नहीं जा पाए और हमें दिवाली यहीं पर ही सेलिब्रेट करनी पड़ी, क्योंकि हाँ मतलब ट्रैवलिंग का इशू हो जाता है, जा नहीं सकते, तो इस वजह से हम नहीं गए। अब यहाँ पर आप देख सकते हैं दिए वगैरह जो है ना हमने जला दिए हैं, साथ में ही रंगोली वगैरह बनाना मुझे काफ़ी ज़्यादा अच्छा लगता है। सो इस बार की रंगोली माता रानी के चरणों की मैंने बनाई है, तो श्री चरण हमने यहाँ पर माता रानी के बनाए हैं और माँ लक्ष्मी के बनाए हैं, और उसके बाद जो है ना मैंने फ्लावर से उसको डेकोरेट किया है। साथ में ही दिए वगैरह हमारे जल चुके हैं और यहाँ पर हम अपने फ़ोन में आरती वगैरह लगा के और आरती वगैरह स्टार्ट कर दी है। इन सब चीज़ों में काफ़ी ज़्यादा टाइम लग जाता है, और स्पेशली जब आपकी तबीयत ठीक ना हो या फिर आप प्रेगनेंसी का इस लास्ट स्टेज पे हो, तो और भी ज़्यादा टफ होता है काम कर पाना, बट कोई नहीं, सब ईश्वर की कृपा रहती है और सब कुछ आराम से संपन्न हो जाता है ना। सो डेकोरेशन जब मैं कर रही थी तो उस टाइम मेरे पास प्रॉपर टाइम नहीं था कि मैं आपको स्टेप बाय स्टेप दिखाऊं, जैसे मैंने आपको पिछले वीडियोस में दिखाया नवरात्रि वाले वीडियोस में, करवा चौथ वाले वीडियोस में, कि किस तरीके से मैंने चौकी सजाई। बट अभी मैं आपको डिटेल में अगर दिखा दूँ, तो यहाँ पर मैंने एक स्टडी टेबल ली है और उसके पीछे से एक बॉक्स लिया है और उसके पीछे से एक और बॉक्स लिया है, तो इसमें 3-4 बॉक्सेस के बाद जो है ना इस तरीके से बन के तैयार हो पाया है। सो डेली वेयर के जो
दुपट्टे वगैरह अगर आपके पास हैं तो उन्हें आप साफ़ स्वच्छ करके अच्छे से बिछा कर भी यूज़ कर सकते हैं, या फिर अगर आपके पास पूजा पाठ के अलग से कपड़े हैं तो आप वो भी दुपट्टे वगैरह चुंडी वगैरह से भी डेकोरेट कर सकते हैं। तो यहाँ पर वैभव के ट्यूशन वाले फ्रेंड्स जो है ना वो आ गए हैं दिवाली विश करने के लिए, साथ में ही इंजॉय करने के लिए। अच्छा, मुझे बिल्कुल भी यहाँ का आइडिया नहीं रहता है क्योंकि हम शायद सेकंड टाइम ही दिल्ली में दिवाली सेलिब्रेट कर रहे हैं, वैसे हर बार घर ही जाते हैं, कुछ कॉम्प्लिकेशंस की वजह से घर जाना नहीं हो पाया। यहाँ पर जो है ना लोग एक दूसरे को मिठाइयाँ वगैरह घर जाके देते हैं। हमें बिल्कुल भी आइडिया नहीं था कि ऐसा कुछ भी होने वाला है क्योंकि हमारे साइड ऐसा कुछ नहीं होता है। ये लोग आए और आराम से अच्छे से सेलिब्रेट हुआ और वैभव ने खूब सारा इंजॉय किया अपने फ्रेंड के साथ। थोड़ी ही देर वो लोग रुके और चले गए। हमारे यहाँ बेसिकली पूजा पाठ का जो होता है कि जो भी मिठाइयाँ वगैरह हम घर में बनाते हैं या फिर बाहर मार्केट से लेकर आते हैं, उन सारी मिठाइयों का भोग यहाँ पर लगता है और स्पेशली कंपलसरी जो होता है वो रहता है हमारा खीले और गट्टे, ये हमारा कंपलसरी रहता है, ये तो हमारे यहाँ पूजा पाठ में लगेगा ही लगेगा। और उसके बाद आपकी श्रद्धा अनुसार या आपके जितना भी आपसे हो सकता है उस हिसाब से आप मिठाइयाँ घर में बना सकते हैं। वीडियो अच्छा लगा हो तो चैनल को लाइक सब्सक्राइब करें। एक बार फिर से आप सभी को हैप्पी दिवाली।